नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्यारे भाइयों, आज मैं अपने जूम का जितना भी पैच बनाया है आप सभी के बीच मैं शेयर कर रहा हूँ, जूम G1X ऑन। तो आप सभी को दिखाऊंगा मैं तो अपने जूम का, देख सकते हैं ये मेरा जूम है और आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये मेरा बैंजो और मैंने क्यूब लगाया हुआ है, तो एक एक पैच आप लोगों को सुनाऊंगा और इसकी सेटिंग भी बता दूंगा मैं आप सभी को। पहले मैं आप लोगों को इसके वैल्यूम के बारे में बता दे रहा हूँ कि अगर बढ़ाना हो घटाना हो तो एक तो यहाँ से पैच सेटिंग ओके करिए और इसे देखिए लेवल इंटर करिए, जितना बढ़ाना है बढ़ाइए, घटाना है घटाइए। ये कम हो गया, मैं यहाँ पे वैल्यूम 60 लेवल होम पे आ जाइए। ये पहला पैच बजाया, इसकी सेटिंग में दिखा दे रहा हूं आप सभी को। देखिए पहला में क्या रखा मैंने, जी क्लीन है, इको सिम, इक्वलाइजर है, कॉम और डील है। देखते हैं, इंटर करते हैं पहले, ओके। देखिए बस गेन टोन और लेवल इतना रखे हैं हम। अब चलिए आगे पैच में देखते हैं। इकोसिम रखा था मैंने, इसमें देखिए टॉप बॉडी लेवल, इसमें 26.6 और इसमें पूरा मैंने 150 रखा हुआ है। आगे इक्वलाइजर रखा था, ये बेस मैंने 9 रखा हुआ है। कॉम्प
अब डीले, देखिए बेंजो के लिए डीले बड़ा ही जरूरी होता है। अब चलते हैं आगे, दूसरा, और ये है ट्रेजर, जो अक्सर आपने दुगोला प्रोग्राम जिसे कहते हैं नारदी गौनाई उसमें ये यूज होता है। पहले ये फ्रेजर का यूज होता था, अभी भी होता है, डीले और फ्रेजर। तो इसका देखते हैं टोन कैसा लग रहा है। आइए अब दूसरी पैच देखते हैं, ये फ्रेजर का, इसमें क्या क्या डाला गया है। फ्रेजर देखते हैं, इसको खोलते हैं, इंटर करते हैं। ओके, तो देख लीजिए ध्यान से, बड़ा ही आसान है, आप सभी सीख जाएंगे। अब डीले, फ्रेजर रखे थे और डीले रखे थे, डीले का वही सेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा पैच, गिटार, जो गिटार का बनाया हुआ है मैंने। और इसका ट्यूनर देख लेते हैं हम, ये दोनों पैडल को एक साथ दबाएंगे हम, ये हमारा दोनों पैडल, इसको एक साथ प्रेस करिए, देखिए ट्यूनर था। और इस एक पैडल को किसे बोल, जो इस पे स्टॉप लिखा है, इसको प्रेस कर देंगे, हमारा ट्यूनर लग जाएगा। तो आइए हम गिटार का टोन देखते हैं, thank you।
और ये हमारा था गिटार पैच। तो देखते हैं इसमें क्या क्या डाला गया है। डीले वर्ब्रेट है, हॉल और कोश। तो आइए देखते हैं, इसको खोलते हैं, इस पैच को इंटर करते हैं डीले से। तो देख सकते हैं आप सभी, आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने जूम की। तो देखते हैं फिर, ओके वर्ब्रेट में। अरे हॉल देख लीजिए आप सभी, आगे ये कोर्स में मैंने क्या डाला हुआ था आप सभी। ओके चार, अब आगे चलते हैं तीसरा टोन। आइए आप सभी को मैं अपने बेंजो भी दिखा रहा हूँ। देख लेते हैं इसमें तीसरा पैच में क्या क्या डाला गया था। एक कोशिम है और डीले, बस तीन यूज किया है मैंने। तो आइए, ये ग्राफिक यूजर है। ओके देखते हैं आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है। चलिए तो आइए अब आगे भी देखते हैं। Thank you.
ये हमारा चौथा पैच जूम जूमन एक्स ऑन का ये हमारा चौथा पैच था। इसको देख लेते हैं, इंटर करते हैं यहाँ से, देखते जाइए। ये जेडिनार है, कॉम्प है और डीले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा। ये हमारा पांचवा पैच, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं कि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। देखते हैं, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है। मैं अपने जूम का सारा पैच दिखा दे रहा हूँ आप सभी को, और ये देखते हैं आगे, देखते हैं। देख लेते हैं इसको भी, चलिए अब आगे देखते हैं। स्मृति आगे देखते हैं।